आप सभी को परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताना है, जो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ही फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री और पेड दोनों। इसके अलावा जो डेली डोज की टेस्ट सीरीज होती है प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट की, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट पेड सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज एसएससी मेट 40 रेफरल कोड टू गेट 40% ऑफ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दो बहुत बड़ी सफलताओं के बाद तीसरी सफलता हमारे हाथ लगती हुई। दो बड़ी सफलताएं कौन कौन सी? पहली एसएससी और दूसरी आरआरबी। एसएससी ने रिजल्ट की डेट जारी कर दी एसएससी सीजीएल और एमटीएस की, और वहीं आरआरबी ने आज कुछ ही देर पहले आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा की डेट जारी कर दी, जो 15 दिसंबर से टेंटेटिव डेट है, कंडक्ट कराई जाएगी। हो सकता है कि उसके बाद ग्रुप डी की एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराई जाए। तो ये जो दो बड़ी सफलताएं मिली उसके बाद हमें तीसरी सफलता हाथ लगती हुई। आप कहेंगे कि तीसरी सफलता कौन सी? बताता हूँ। तीसरी सफलता की खास बात यह है कि हमने इसके लिए डिमांड ही नहीं की थी, हमने इसकी मांग ही नहीं की थी। पहली जो दो सफलताएं थी उसके लिए तो हमने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, ट्विटर कैंपेन चलाया, हल्ला बोल कर दिया। लेकिन जो तीसरी सफलता है इसके लिए हमने ना ही ट्विटर कैंपेन चलाया, ना ही गवर्नमेंट पे हल्ला बोल किया, ना ही कोई तरह का प्रेशर क्रिएट किया, ना ही सड़कों पर उतरे। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि उसका पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। कौन कहता है कि उसका पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, चीज़ें गलत हो रही हैं। तो वही बात कही गई है कि कौन कहता है कि उसका पता नहीं, कौन कहता है कि आप कुछ तुम्हारी जो तुम डिजर्व करते हो वो चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं, हम उस हद तक ही नहीं जाते कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो सके। सागर में से मोती निकालनी है तो हमें सागर में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। सूरज की तरह अगर हमें तपना है, चमकना है, तो सूरज की तरह हमें तपना सीखना पड़ेगा। मिल्खा सिंह जो एक बहुत बड़ा अपने आप में एथलीट है, आप उसकी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आप मूवी की बात नहीं कर रहा, आप उसकी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। ऑटोबायोग्राफी पढ़ के आपको ये एहसास होगा कि कितनी तपस्या की थी उस इंसान ने, तब वो ओलंपिक उस लेवल पर पहुँचा। और ये जो तीसरी सफलता हमें मिली है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे फ्री में गवर्नमेंट ने हमें दे दी। हमने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था, जो दो पाँच छः दिन से जो लगे पड़े थे, तो इसी से डर के गवर्नमेंट ने ये दिया है। तो हम सीधा नोटिफिकेशन पे जाते हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक नोटिफिकेशन अब जारी किया गया, उसमें उन्होंने कन्फर्म किया है। यहाँ पर कहा है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सर्क्यूलर डेटेड 4 September 2020 डील्स विथ द इंटरनल प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट and does not in any way, there is no restriction or ban on filling of post in Government of India. Normal recruitment through government agencies like Staff Selection Commission, UPSC, Railways Recruitment Board, its extra will be continued. यहाँ पर कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो 4 सितंबर 2020 को जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो इंटरनल प्रोसीजर के बारे में है, जहाँ पर पोस्ट को क्रिएट किया जाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि अब जो जितनी भी नई पोस्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है। जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू, रेलवे के थ्रू, आईबीपीएस के थ्रू और वगैरह वगैरह, वो सब चलती रहेगी। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तब जब कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। उसमें कहा गया था, देयर विल बी अ बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। यहाँ पर कहा गया कि बैन लगा दिया जाएगा नई पोस्ट के क्रिएशन पे, तो लोगों को लगा कि नई वैकेंसी ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, नई पोस्ट कोई नई क्रिएट नहीं होगी, लेकिन जो ऑलरेडी क्रिएटेड है एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, ये सब चलता रहेगा। कोई भी उसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया। हो सकता है बदलाव किया भी जा सकता था, लेकिन हमने जो इतना प्रेशर क्रिएट किया, अच्छे से अच्छे लोग झुक गए, तो गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी झुकना पड़ा। तो यही है ताकत यूनिटी की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।